हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं जेके एसएसबी हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और इसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप HPSC एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ADO की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 599 रुपीज़ है। आपको इसमें फुल स्टडी मटेरियल एग्रीकल्चर और जनरल स्टडीज़ के आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जाएगी। 1 क्वेश्चन बैंक होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप यदि इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, वहां से जाकर आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप हैज साइंटिफिक नेम एज सीजियम कुमिनी। ठीक है, तो सीजियम क्यूमिनी जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है। इन द फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एप्पल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मेलस डोमेस्टिका। जामुन का क्या होता है, जामुन का होता है सीजियम क्यूमिनी, और गुआवा का होता है सीजियम गुआजावा, और ऑरेंज का होता है सिट्रस रेटिकुलाटा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीजियम क्यूमिनी जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, वो है जामुन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्प्रेइंग ऑफ विच फंजीसाइड्स अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू इन ग्रेप्स शुड बी अवॉइडेड इफ़ द फील्ड टेम्परेचर इज अबव 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो स्प्रे करते हैं हम, किस फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं हम पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट, ग्रेप्स में पाउडरी मिल्ड्यू के। ठीक है, तो ग्रेप्स का बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या होता है, बिटिस वेनिफेरा। शुड बी अवॉइडेड, हमें अवॉइड करना चाहिए इफ़ द फील्ड, यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो इनमें से कौन से फंजीसाइड को पाउडरी मिल्ड्यू ग्रेप्स में हमें स्प्रे को अगेंस्ट करना चाहिए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बिटेबल सल्फर को हमें उसके अगेंस्ट अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है सॉइल की। तो आंसर जाएगा जो सॉइल पीएच है वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आप देखोगे सॉइल स्ट्रक्चर, डेंसिटी, टेक्सचर, ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है। लेकिन जो सॉइल पीएच है ना, सॉइल पीएच क्या आपको जो एक रेंज बताता है सॉइल की, एसिडिटी है, एसिड है या अल्कलाइन है ना, तो ये सॉइल पीएच इज़ नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन प्रोड्यूसेस अल्सर लाइक लेशंस ऑन फ्रूट्स विद लीव्स एंड स्टम्स ऑफ एप्पल ट्रीज ड्यू टू ओवरग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल सेल। तो इन द फर्स्ट आपको ये बताना है कि इनमें से आपको कौन सा इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे अल्सर लाइक लेशंस को फ्रूट्स में और लीव्स में, स्टम में, एप्पल ट्रीज के। तो एप्पल का बोटेनिकल नेम हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है साइंटिफिक नेम, मेलस डोमेस्टिका। तो ये किस ओवरग्रोथ और कॉर्टिकल और एपिडर्मल सेल्स के कारण होता है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्कैब। स्कैब जो होता है ना, एप्पल स्कैब, तो ये इसके कारण होता है जिसमें अल्सर लाइक हमको लेशन देखने मिल जाते हैं फ्रूट्स में। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स, तो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन परसेंट पाया जाता है। तो आंसर जाएगा आलमंड में बहुत ज़्यादा हाइएस्ट प्रोटीन परसेंट पाया जाता है। जो आलमंड का साइंटिफिक नेम है वो होता है प्रिंटर्स अमाइग्डेलस। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लीफ ब्लॉच ऑफ वॉलनट। वॉलनट के जो लीफ ब्लॉच होता है ना, वो किस और कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है इसका, इसका आंसर होगा नोमोनिया लैप्टोस्टाइला, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। जो वॉलनट का साइंटिफिक नेम होता है, इसमें भी हम बात करें तो ये क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम जुगलेंस रेजिया। नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, प्लाज्मोलाइसिस किस प्रोसेस के कारण होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सोस्मोस और एक्सोऑस्मोसिस के कारण होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, KBK का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ठीक है, इसको हमें बताना है, तो जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इम्पार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज इन एग्रीकल्चरल एंड एलीट्स वोकेशन वोकेशन। ठीक है, क्या है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर और एलीट वोकेशन वोकेशंस को। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है KBK का।
फर्स्ट केबीके कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? पॉन्डिचेरी में, है ना। वॉट इज़ द नाइट्रोजन कंटेंट इन फार्म यार्ड मैन्योर? जो F/M में नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है वो कितना होता है? आंसर होगा 0.50 नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट ऑफ पोम ग्रेनेट हैज़ कॉमन नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई? तो जो पोम ग्रेनेट है, ठीक है, आपका जो पॉम ग्रेनेट है इसका तो साइंटिफिक नेम क्या होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम, ठीक है। तो इसका बता रहे कि इनमें से इसका जो पेस्ट है जिसका कॉमन नेम अनार बटरफ्लाई है, वो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बेरेकोला आइसोक्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर फूड स्टोरेज टिश्यू इन सीड? तो इनमें से कौन सा जो है फूड स्टोरेज टिश्यू है सीड्स में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म। क्या है एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म में क्या होता है? फूड स्टोरेज रहते हैं। द प्रोफाइलेक्टिक स्प्रेइंग ऑफ ट्री स्प्रे ऑयल और डीजल एमल्शन इज रिकमेंडेड फॉर विच पेस्ट अटैक इन एप्पल? तो प्रोफाइलेक्टिक जो स्प्रेइंग है ट्री स्प्रे ऑयल और डीजल एमल्शन का, वो रिकमेंडेड होता है किस पेस्ट के लिए जो कि एप्पल में अटैक करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनजोस स्केल। क्या हो जाएगा? सैनजोस स्केल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड? इनमें से ऑडियो विजुअल एड कौन सा है? तो ये हो जाएगा पपेट। पपेट जो है वो ऑडियो विजुअल एड है। अब आप देखोगे रेडियो, तो ये ऑडियो है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, और फिर पोस्टर, तो ये विजुअल बस है। तो जो ऑडियो विजुअल मतलब जैसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? पपेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट हेल्प इन एंजाइम एक्टिवेशन? तो एंजाइम एक्टिवेशन के लिए कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट्स में हेल्प करते हैं? जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। जो पोटेशियम है वो एंजाइम एक्टिवेशन का काम करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज इन प्री शोइंग ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स फॉर सीड जर्मिनेशन? इनमें से कौन सा केमिकल है जिसका यूज़ हम लोग प्री सोइंग ट्रीटमेंट, ठीक है, सोइंग बुवाई के पहले सीड्स के और सीड जर्मिनेशन के लिए करते हैं? आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ अ कॉमन कंडक्टेड बायोलॉजिकल टेस्ट फॉर सीड अवेलेबिलिटी, सॉरी बायबिलिटी? तो जो हम सीड बायबिलिटी के लिए हम लोग बायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, तो कॉमनली जो कंडक्टेड है वो कौन सा है? आंसर चेक ऑप्शन नंबर ए, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग सीड बायबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन? इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो लर्निंग सिचुएशन का एलिमेंट नहीं है? तो हो जाएगा लीडर्स, ठीक है, ये लर्निंग सिचुएशन का एलिमेंट नहीं है। जबकि सब्जेक्ट मैटर, लर्नर, इंस्ट्रक्टर, तो ये तो सारे लर्निंग सिचुएशन के ही एलिमेंट है ना। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ ट्रांसपरेशन? इनमें से कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है ट्रांसपरेशन का? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीफ स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। देखोगे आप, विंड है, ठीक है, विंड हो गया आपका, क्या हो गया, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हो गया, लेकिन जो लीफ स्ट्रक्चर है वो तो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है ना ट्रांसपरेशन का। फिर है, विच इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन मैकेनिज्म कॉजिंग द फेलियर ऑफ पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट? तो इनमें से जो कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन मैकेनिज्म है जो कि पॉलन को फ्लावर से पॉलन को फेल करता है ना फर्टिलाइज करने के लिए सेम फ्लावर में और अदर फ्लावर्स के किसी भी प्लांट में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्राउन? इनमें से क्राउन का एग्जाम्पल कौन है? तो जाएगा स्ट्रॉबेरी। द कॉर्न्स एंड कर्नल्स ऑफ विच प्लांट इज यूज एज प्रपोगेटिंग स्ट्रक्चर? इनमें से किस प्लांट का यूज़ हम लोग प्रपोगेटिंग स्ट्रक्चर के लिए करते हैं? वो है ग्लैडियोलस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, द एडिशन ऑफ विच कंस्टिट्यूएंट्स एनहेंस वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी एंड इम्प्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर? इनमें से किसका एडिशन जो है कौन से कंस्टिट्यूएंट्स को एनहेंस करने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को, ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक मैटर है, इनका ऐड करने से ये हम लोग की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सॉइल के स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है,
Which of the following system of training is highly practiced for vigorous varieties of fruit crop? तो इनमें से कौन सी training system जो है बहुत ज़्यादा practice की जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर जगह बावर सिस्टम. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ प्लम आर सेल्फ अनफ्रूटफुल कल्टीवार. तो इनमें से कौन सी वेराइटीज जो है वो प्लम की वो सेल्फ अनफ्रूटफुल कल्टीवार है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू बुखारा. ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. इनमें से सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है, तो आपको पता है, हाँ, वीट है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, और जो ये मेज हो गया, सनफ्लावर हो गया, बाजरा, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एक्सटेंशन एजुकेशन. एक्सटेंशन एजुकेशन के अकॉर्डिंग पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, टीचिंग इज मेनली वर्टिकल, जो टीचिंग है वो वर्टिकल है. नेक्स्ट है, विच मीडिया इज कॉमर्शियली यूज एज रूटिंग मीडियम इन एयर लेयरिंग. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, स्फैगनम मॉश. नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर द वर्टिकल एक्सिस इज मोर डेवलप्ड देन हॉरिजॉन्टल गिविंग अ पिलर लाइक शेप. इनमें से जो टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर है वो वर्टिकल एक्सिस है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, तो पिलर लाइक शेप, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म लाइक. ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, विच इज एन एंटी फंगल एंटीबायोटिक यूज इन प्लांट डिजीज कंट्रोल. प्लांट डिजीज कंट्रोल के लिए एंटी फंगल एंटीबायोटिक किसका यूज करते हैं, आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ग्रेशियो फाइलबिन का. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. इनमें से कौन सी जो किसको इन्वॉल्व किया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की स्टडी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉइल फिजिक्स को. ठीक है, विच इज द पार्ट ऑफ द स्टम फ्रॉम वेयर लीव्स अराइजेज. तो इनमें से कौन सा पार्ट है स्टम का जहाँ से लीफ निकलती है, तो आंसर तो आप सभी को पता है, नोड, जहाँ से क्या निकलती है, लीव्स अराइज होती हैं. वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर लोकेटेड. टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर जगह डी, श्रीनगर में लोकेटेड है. IRDP is described officially as a minor mechanism for the alleviation of rural poverty. What does IRDP stands? IRDP stands for, तो आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ प्लम कॉजिंग डैमेज बाय निबिंग द बार्क ऑफ टेंडर ट्विग्स ब्रांचेज एंड स्टम्प. तो इनमें से कौन सा जो सीरियस पेस्ट है प्लम का जो कि डैमेज को कॉज करता है, ठीक है, बार्क ऑफ टेंडर ट्विग्स ब्रांचेज और स्टम्प को, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, केस फॉर्म. नेक्स्ट है, द अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स इन ऑल सॉइल मास इज नोन एज. तो अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स का सॉइल मास में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सॉइल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, है ना. नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड. इनमें से नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कौन सा है, तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बोर्ड है, जो नॉन प्रोजेक्टेड, मतलब सिनेमा हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ये तो प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है ना. नॉन प्रोजेक्टिंग की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक बोर्ड. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ. इनमें से मोस्ट अबंडेंट लाइफ एलिमेंट कौन सा है लाइफ का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरस. नेक्स्ट है, विच इज एन अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ पीच रिकमेंडेड इन फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टेड लोकेलिटीज. इनमें से कौन सी अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है पीच की जो कि रिकमेंडेड की जाती है फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टेड लोकेलिटीज में, आंसर हो जाएगा आपका बी, वाइट चियान. ठीक है, नेक्स्ट है, विच पेस्ट ऑफ आलमंड फीड्स बाय बाइटिंग होल्स ऑन लीव्स लीविंग ओनली द मिड रिब एंड द यंग वंस फीड्स ऑन रूट्स. तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीबिल. बॉडिक्स मिक्सर इज यूज एज एंड. तो इसका जो यूज़ होता है बॉडिक्स मिक्सर का वो कैसे यूज करते हैं, तो वो एज अ फंजीसाइड के रूप में इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है, अ डार्क ब्राउन और ब्लैक ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मेड अप ऑफ डिकेड प्लांट और एनिमल मैटर. ठीक है, उसको हम किस नाम से जानना चाहते हैं, तो हाँ आप सही जा रहे हैं, सही बोल रहे हैं, है ना, ह्यूमस कहा जाता है इनको.
नेक्स्ट है विच इज़ एन नॉन डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ फंजीसाइड, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन डिज़ायरेबल क्वालिटी है फंजीसाइड का, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर डी लो स्टिकिंग और बेटिंग एंड बेटिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कंडक्टिंग फील्ड ट्रिप ऑन ट्रिप टू स्टडी अ न्यू टेक्नोलॉजी कम्स अंडर विच एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, तो कंडक्टिंग फील्ड ट्रिप है ना, स्टडी करना न्यू टेक्नोलॉजी जो कि आती है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रुप कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड फोटोसिंथेसिस इज ट्रू, फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स एंड वाटर लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज नोन एज, मतलब कि जो कन्वर्जन होता है अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा, कन्वर्जन हो रहा, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा, तो इस जो ये सब है वो किस नाम से जाना जाता है इस प्रोसेस को, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नाइट्रिफिकेशन नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर नाइट्रेट से फिर नाइट्रोजन का कन्वर्शन हो रहा डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल यूटिलाइजेस पैरासिटाइट्स प्रेडेटर्स एंड पैथोजन्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज, आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन में मूव करेंगे, 47 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफाइड सीड बिगेन्स फ्रॉम इट्स डिस्टेंट पेरेंट इज नोन एज, प्रोसेस करना डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफाइड सीड का डेवलपमेंट होना, तो ये डिस्टेंट पेरेंट्स को किस नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगा न्यूक्लियस सीड, ठीक है। न्यूक्लियस सीड से ही होता है, न्यूक्लियस से ब्रीडर, ब्रीडर से फाउंडेशन, ठीक है, देन सर्टिफाइड, तो डिस्टेंस पेरेंट क्या हो जाएंगे इसके, न्यूक्लियस सीड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉमर्शियल मैच्योरिटी, कॉमर्शियल मैच्योरिटी के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट है वो जो इनकरेक्ट है, इसका आंसर का ऑप्शन में बी इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सेनेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज इन्वॉल्व इन अर्ली अडाप्टर्स, अर्ली अडाप्टर्स में कौन सी मैथड इन्वॉल्व है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए मीटिंग्स। नेक्स्ट है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कूल एयर एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ मिस्ट इज नोन एज, तो इसका कॉम्बिनेशन कूल एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन होना मिस्ट एयर में, वो किस नाम से जाना जाता है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हायर एयर कूलिंग में के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्विन डिजीजेज सूटी ब्लॉच एंड फ्लाई स्पेक इन एप्पल, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्लोइडस पॉमीजेना एंड सीजोथायरियम पॉमी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेयर्स पेस्टिसाइड इन एप्लीकेशन इज ऑपरेटेड विथ फुट, फुट के साथ कौन से स्प्रेयर्स पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का यूज होता है, ठीक है, इनमें से कौन है, तो आंसर जाएगा आपका पेडल पंप्स स्प्रे, ठीक है। नेक्स्ट है ओके विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बॉटेनिकल एंटीफिडेन, इनमें से और टू लीफ ऑफर, ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा इधर पे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैप्टिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट सिस्टम इज अडॉप्टेड इन एरियाज ऑफ अंडुलेटेड टॉपोग्राफी, अंडुलेटेड जो टॉपोग्राफी होती है तो इसमें से कौन सा लेआउट सिस्टम का हम यूज़ करते हैं, वो हो जाएगा कंटूर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। A swelling produced on a plant as a result of infection by certain pathogens is termed as, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गाल, गॉल, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग फ्रॉम प्लानिंग इज ट्रू, प्लानिंग के फार्म प्लानिंग के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फार्मर। Which is the characteristic symptom of infection of obligate parasites? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, रस्ट पास्टल्स। नेक्स्ट है सैंचोस स्केल इज एन इम्पॉर्टेंट पेस्ट विच इनफेक्ट एप्पल बिलोंग टू विच फैमिली, तो इसमें से जो सैंचोस स्केल है वो एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट है जो कि इन्फेक्ट करता है एप्पल को, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डाइस्पिडीडी से फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टोमेटोज आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, इनमें से कौन से टाइप के टोमेटो जो है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं, तो वो है डिटर्मिनेट टाइप के टोमेटो। फिर है द हार्ड सेल्ड फ्रूट ऑफ विच क्रॉप इज वाइडली यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर्टिस्टिक पीसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिजेनेरिया साइसेरिया. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट इन द प्लांट्स. इनमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? तो जो आंसर हो जाएगा वो आयरन हो जाएगा. आयरन माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना. एज पर द सर्टिफाइड स्टैंडर्ड फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ एप्पल टिश्यू कल्चर प्लांट हाउ मेनी साइकल्स ऑफ सब कल्चर पैसेज आर मैंडेटरी टू ऑप्टेन प्लांट प्लेट ऑफ क्लोनल यूनिफॉर्मिटी. तो जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 12. ठीक है. नेक्स्ट है 63. ठीक है. इन इंसेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटरी रेपेलेंट्स. इनमें से कौन सा जो ऑडिटरी रेपेलेंट्स का इंसेक्ट में एग्जाम्पल है? तो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एम्पलीफाइड साउंड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मीजर द सॉफ्टनेस ऑफ ट्री टिश्यू टू नो द मैच्योरिटी स्टेटस ऑफ फ्रूट. हमें जब भी फ्रूट्स का मैच्योरिटी स्टेटस उसकी सॉफ्टनेस ऑफ टिश्यू का हमें मीजर करना है तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? हम करते हैं पेनेट्रोमीटर का यूज़ हम इसमें करते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मदर प्लांट फॉर ऑप्टेनिंग स्टम कटिंग. इनमें से गुड मदर प्लांट स्टम कटिंग को ऑप्टेन करने के लिए हम क्या लेते हैं, कौन सा कैरेक्टर्स लेते हैं? तो इसका आंसर जो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लो लीफ क्वालिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स हेल्प्स इन फूड राइपनिंग. फूड राइपनिंग के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन यूज़ करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इथाइलिन गैस का हम यूज़ करते हैं प्लांट हार्मोन का. ठीक है. नेक्स्ट है विच वन एमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड द इंटीग्रेशन ऑफ IRDP. इसमें से इसमें इंक्लूड नहीं है. आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NES जो है वो इस रिलेटेड नहीं है, इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन गवर्निंग द प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ फ्रूट ट्रीज. तो आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेनिंग मेथड. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ न्यूट्रल डी ग्रीनिंग एजेंट. इनमें से कौन सा कंपाउंड है नेचुरल डी ग्रीनिंग एजेंट है? आंसर हो जाएगा आपका 69 का सी इथाइलिन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्टिंग मेथड इज वाइडली प्रैक्टिस इन मैंगो विथ ओवर 95% सक्सेस रेट. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इनार्चिंग. ठीक है. नेक्स्ट है विच इज इथाइलिन एब्जॉर्बेंट यूज इन पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग बडिंग इज ऑल्सो नोन एज सील्ड बडिंग. किस बडिंग को हम लोग सील्ड बडिंग के नाम से जानते हैं? तो वो है टी बडिंग को हम सील्ड बडिंग के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कटिंग इज कॉमर्शियली यूज फॉर रोज प्रोपोगेशन. कौन सी टाइप की जो कटिंग होती है हम लोग रोज़ के लिए? रोज़ का बोटेनिकल नेम रोजा स्पीसीज रोजा इंडिका है ना. और इसका हो जाएगा क्या ऑप्शन में भी हार्डवुड कटिंग का हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड्स ऑफ एप्पल इज ऑप्टेंड फॉर्म अ क्रॉस ऑफ रेड डिलीशियस और रेड डिलीशियस और अम्ब्री की जो ये किसकी वेराइटी है? तो एप्पल की. इससे जो हाइब्रिड बनता है क्रॉस से तो वो कौन सी वैरायटी होगी, हाइब्रिड कौन सी होगी? तो वो हो जाएगा लाल अम्ब्री. क्या हो जाएगा? लाल अम्ब्री. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल. सॉइल में जो इसमें से कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडिसेस इज थ्रू फिजिकल मीन्स टू जज द मैच्योरिटी ऑफ द फ्रूट. आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. वेट ऑफ द फ्रूट. नेक्स्ट है द कॉन्स्टेंट एनालिटिकल स्टडी अंडरटेकन टू नो द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोग्राम कन्फर्स विच प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल ऑफ एवेल्युएशन. नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म से जो कंपोस्ट प्रिपेयर होती है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं बर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं. विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सॉइल अमेंडमेंट्स विच इम्प्रूव्स एरेशन ऑफ कम्पैक्टेड सॉइल. इनमें से जो कौन सा सॉइल अमेंडमेंट्स का यूज़ हम करते हैं एरेशन ऑफ कम्पैक्टेड सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिप्सम का हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट प्लकिंग मेथड फॉर राइप फ्रूट्स विथ अ नेचुरल ब्रेक पॉइंट. तो इनमें से क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लिफ्ट ट्विस्ट एंड पुल.
नेक्स्ट है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एक्सटेंशन मैथड. रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो एक एग्जाम्पल है किस कौन से एक्सटेंशन मैथड का है. आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रुप कॉन्टेक्ट मैथड का है. नेक्स्ट है विच प्रोफाइलेक्टिक प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अन केमिकल टॉक्सिक बैरियर बिटवीन होस्ट और पैथोजन. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू विच लीड्स टू एबनॉर्मल इंक्रीजेस इन द साइज ऑफ सेल. इसका आंसर होगा हाइपरट्रॉफी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन. इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं. वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस हार्मोन के नाम से हम इसे जानते हैं. द वेराइटी कश्मीर नक belongs to the family to which of the following crop. कश्मीर जो नक है वो किस से belong करती है, किस crop से belong करती है. तो हो जाएगा pear से. ठीक है. When a seed is planted in suitable environment, the seed sprout and forms new plant. This is known as. जब भी किसी seed को हम plant करते हैं एक suitable environment में, तो जो seed है वो sprout होता है और एक नया plant को develop करता है. वो किस नाम से जाना जाता है, वो germination कहलाता है उस process को. ठीक है. नेक्स्ट है द ग्रैप वेराइटी बैंगलोर ब्लू बिलोंग्स टू विच कैटेगरी. जो बैंगलोर ब्लू है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. तो आंसर जगह 87 का सी. ठीक है. कलर्ड सीडेड. नेक्स्ट है द यंग प्लांट इनसाइड अ सीड इज नोन एज. यंग प्लांट जो कि सीड के इनसाइड होता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जानते हैं ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कैरीज फीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम. नेक्स्ट है इन अ स्प्रेयर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मूव फ्लड्स. तो स्प्रेयर में ठीक है कौन सा डिवाइस का यूज़ हम लोग मूव फ्लड के लिए करते हैं. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, पंप्स का यूज़ करते हैं पंप का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो जो टीचर से स्टार्ट्स विथ थ्योरी एंड वर्क्स अप टू प्रैक्टिकल. क्या होता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन का जो स्टेटमेंट है वो सही ये है कि पहले तो जो टीचर्स है वो थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं और वर्क्स अप टू प्रैक्टिकल तक जाते हैं, वर्क करते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 92 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑफ मैंगो इज ऑप्टेंड क्रॉस ऑफ दशहरी और नीलम. दशहरी और नीलम के क्रॉस से कौन सी आपको वैरायटी मिलती है, हाइब्रिड मिलती है मैंगो की. आंसर होगा आम्रपाली डीएनए. ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो. विच पार्ट ऑफ द सीड डेवलप्स इनटू द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. किन में जो कौन सा पार्ट जो है वो सीड डेवलप होता है रूट सिस्टम से. तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडिकल नॉर्मली है. ठीक है. अब बडिंग इन विच अ स्मॉल रेक्टेंगुलर पेचेस ऑफ बार्क बियरिंग द सियोन इज फिटेड इनटू अ करस्पॉन्डिंग ओपनिंग इन द बार्क ऑफ द स्टॉक इज टर्म्ड एज. इसे टर्म को हम क्या बोलेंगे, पैच बडिंग हम इसे बोलते हैं. आ स्यूडो ट्रंक इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप. जो स्यूडो ट्रंक है हम किस क्रॉप में हमें देखने को मिलता है, वो हमें देखने मिलता है बनाना में. ठीक है. म्यूजा पैराडिसिका. ठीक है. विच इज द कॉजेटिक और एजेंट ऑफ एंथ्रेक्नोज ऑफ क्रैब्स. ठीक है. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी स्फेसिलोमा एम्पेलिना. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ स्टम टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट इन ग्रेप वाइन्स. इनमें से कौन से स्टम टेंड्रिल का यूज हम लोग ग्रेप वाइन्स में प्रेजेंट होते हैं. आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एपिकल बड टेंड्रिल्स. Which of the following is the coloring pigment present in mango fruit. इनमें से जो coloring pigment जो कि present होता है mango fruit में वो कौन सा है, वो होता है option number A carotenoids. ठीक है. Which of the following methods of disease control is effective of eradicating soil borne disease. soil borne disease को जो disease control effective eradicating है वो क्या है, उसका answer option number B crop rotation. ठीक है. Which of the following is the causative organism of blue mold root rot in apple. Answer is option number A Penicillium expansum. Which method is used to demonstrate the new technique of fertilizer application and its effect later in an experimental plot.
आंसर ऑप्शन नंबर डी मैथड डेमोन्स्ट्रेशन फॉलोड बाय रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ओके नेक्स्ट है विच प्लांट इज अ गुड विंड ब्रेक इन ऑर्कर्ड्स अंडर सब ट्रॉपिकल कंडीशन। तो इनमें से जो कौन सा प्लांट है गुड विंड ब्रेक है ऑर्कर्ड्स में, ठीक है, अंडर सब ट्रॉपिकल कंडीशन में, आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी मलबरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अकर्स ड्यूरिंग कोल्ड स्टोरेज ऑफ एप्पल। तो इनमें से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कोल्ड स्टोरेज एप्पल के कोल्ड स्टोरेज के दौरान पे लगते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी स्कैल्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमर्शली यूज टू अवॉइड ब्राउनिंग ऑफ एप्पल्स। इनमें से कौन सा है जो है कॉमर्शली यूज होता है अवॉइड करने के लिए ब्राउनिंग ऑफ एप्पल्स को, वो हो जाएगा आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया टू हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज। हाई से लो कंसंट्रेशन में जाना उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं डिफ्यूजन कहते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूव होना। व्हाट इज द प्लॉयडी स्टेटस ऑफ कल्टिवेटेड फैगेरिया साइलोनसिस स्ट्रॉबेरी। ठीक है स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम है। तो जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्टोप्लॉइड्स। नेक्स्ट है विच टीचिंग मेथड इन्वॉल्व द सिस्टमिक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेसिमेंस मॉडल्स पोस्टर्स चार्ट्स एक्सेट्रा इन आर लॉजिकल सीक्वेंस। जब हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में हम सिस्टमेटिक डिस्प्ले करते हैं इन्फॉर्मेशन का स्पेसिमेंस का मॉडल्स पोस्टर्स चार्ट्स का, तो इसको हम क्या बोल देंगे इस टीचिंग मेथड को, इसे हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी एग्जीबिशन हम इसे बोलते हैं। विच टाइप ऑफ रूट डेवलप इनिशियल फ्रॉम वीट प्लांट रोज अप टू 2 meters एंड सपोर्ट्स द प्लांट टिल द नोडल रूट सिस्टम डेवलप्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है सेमिनल रूट्स। ठीक नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप्स हैज साइंटिफिक नेम ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। अरे सभी को पता है हाँ मैंगो का ही होता है ना। विच पेस्ट लेज एग्स इन बैंड्स अराउंड ट्विग्स एंड स्पाइन टेंट्स ऑफ सिल्क एट फॉर्किंग ऑफ ट्विग्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेलाकोसोमा स्पीसीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस डज द फ्रूट प्लम बिलोंग्स टू। जो फ्रूट प्लम है वो किससे बिलोंग करता है किस जीनस से बिलोंग करते हैं, आंसर होगा प्रूनस से। ठीक है नेक्स्ट है हमारा द कलर ऑफ राइस ग्रेन्यूल इज प्रेजेंट ऑन विच पार्ट ऑफ द सीड। जो कलर होता है राइस ग्रेन्यूल्स का वो किस पार्ट में सीड के होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरिकार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉजेज पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इन एप्पल। इनमें से जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज एप्पल में करता है, वो है ऑप्शन नंबर सी फंगस। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डिजीज अकर्स पीरियोडिकली इन अ वाइड स्प्रेड एरिया कॉजिंग डिवास्टिंग डैमेज टू क्रॉप प्लांट्स। आंसर जो ऑप्शन नंबर सी एपिफाइटोटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नर्सरी बेड इज प्रिपेयर ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सनकिन। नेक्स्ट है व्हाट इज द सर्वाइवल स्ट्रक्चर ऑफ कोलर रूट कॉजिंग फाइटोप्थेरा कैक्टोरम इन एप्पल। आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए ओस्पोस। नेक्स्ट है इन एप्पल एंड मलबरी टाइप ऑफ स्टोमेटा द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन विच सरफेस ऑफ लेयर। जो इसमें टाइप्स ऑफ जो मलबरी टाइप ऑफ स्टोमेटा जो है वो किस सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, तो लीफ की है ना। आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी लोअर सरफेस में बस रहते हैं, ठीक है, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। विच इज़ द कॉमन मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ एप्पल एंड पेयर। तो पेयर का और एप्पल का जो मैच्योरिटी इंडेक्स है वो कौन सा है कॉमन, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए स्टार्च इंडेक्स कॉमन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप हैज साइंटिफिक नेम एज प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम किसका साइंटिफिक नेम है, तो वो है ग्रेनेट का, ठीक है, इसका तो ब्रिटिश मैंजीफेरा ठीक है मैंजीफेरा इंडिका और इसका क्या हो जाएगा मेलस डोमेस्टिका। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली गोस ग्रेप्स बिलोंग्स टू। फैमिली कौन सी बिलोंग करती है ग्रेप्स की, तो वो क्या हो जाएगा विटेसी विटिस वेनिफेरा है ना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंसेस आर यूज टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो इनमें से जो किस केमिकल सब्सटेंस का यूज़ हम लोग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, वो है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ बडिंग इज यूज सक्सेसफुली फॉर पोमग्रेनेट थिक पैक फ्रूट प्लांट्स लाइक मैंगो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैच, ठीक है पैच बडिंग का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट डिसाइड द प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ फूड क्रॉप, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है प्लांटिंग डिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता है, वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी सॉइल इरोजन। विच इफेक्शन इन्फेक्शन ऑफ प्लम इज कैरेक्टराइज बाय ब्राउन एक्सुडेशन एंड सोर स्मेलिंग स्पॉट्स ऑन सम पार्ट लीडिंग टू गर्डलिंग एंड डाइंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी गमोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेकेंडरी मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ एप्पल पाउडरी मिल्ड्यू कॉजिंग फंगस, तो इसमें से जो एप्पल पाउडरी मिल्ड्यू जो है सेकेंडरी मोड ऑफ स्प्रेड है कॉजिंग फंगस क्या है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉनिडिया। नेक्स्ट है विच मैंगो वेराइटी इज अमेनेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग विद स्पेसिंग 2.5 x 2.5 meters, आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आम्रपाली, ठीक है। Which of the following statement is true regarding controlled atmospheric storage? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कवरिंग टिश्यू इन प्लांट, इनमें से कौन सा कवरिंग टिश्यू है प्लांट्स का, तो आंसर हो जाएगा आपका 128 का ए एपिडर्मिस। नेक्स्ट है विच इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन एप्पल कैरेक्टराइज्ड बाय सुपरफिशियल स्पॉटिंग ऑफ लेंटिसेल्स एट हायर इन टेम्परेचर, तो आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जोनेथन स्पॉट। हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रैप्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो वो होती है बोरोन की डेफिशिएंसी से होती है हैन एंड चिकन डिजीज। नेक्स्ट है विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्रॉग आई स्पॉट फॉलोड बाय फ्रूट रॉट एंड कैंकर इन एप्पल, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाइसेलोस्पोरा ऑप्टूस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट इज एन एप्पल रूट बोरर, एप्पल रूट बोरर का कौन सा पेस्ट है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोरिस्थेनस ह्यूजीली। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में बात करेंगे तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कूलिंग इज अचीव्ड विद द लेटेंट हीट एंड ऑफ वेपराइजेशन रेदर देन कंडक्शन, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम कूलिंग। ओके नेक्स्ट हमारा विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द पोरफायरिन यूनिट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, पोरफायरिन जो यूनिट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, उसमें रहता है मैग्नीशियम Mg, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच पियर वेराइटी इज मोर प्रोनाउंस्ड टू पियर स्केप डिजीज कॉज बाय बैंचूरिया पीरिना, तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कश्मीरी नक, ठीक है। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज हॉलो स्टम ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का जो हॉलो स्टम है इनमें से कौन सी डेफिशिएंसी के कारण हॉलो दिखता है, वो है बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण। विच पेस्ट ऑफ एप्पल फॉर्म्स डेंस कॉलोनीज ऑन ब्रांचेस एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड स्टक सैप थ्रू आउट द ईयर विद कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्की गॉल्स एंड नोट्स ऑन रूट्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बूली एफिड, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द न्यूट्रिशनल स्टोरेज डिसऑर्डर ऑफ एप्पल्स कॉज बाय कैल्शियम डेफिशियंसी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिटर पिट। नेक्स्ट है विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू इन ट्रैप्स, में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, होगा अनसिनोला नेकेटर, ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल स्प्राउट सप्रेसेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोटेटोज, आंसर जो ऑप्शन नंबर बी CIPC। If the stomata is found equally on both surfaces leaf, then it is said to be, तो जब हम stomata जो दोनों both surfaces मतलब कि lower और upper surface में दोनों equally present होते हैं तो वो किस type में present होते हैं, इसमें होते हैं oat type, ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट इज बैंड इन इंडिया. इनमें से किस केमिकल का यूज जो है आर्टिफिशियली रैपनिंग जो फ्रूट्स के लिए करते थे वो बैंड हो चुका है इंडिया में. आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बाइड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन सेल डिवीजन. तो इनमें से सेल डिवीजन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन क्या होता है हेल्प करता है. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन. नेक्स्ट है विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टुंडू डिजीज ऑफ वीट. टुंडू डिजीज जो वीट की है वो किस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है. आंसर होगा बैक्टीरिया. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन फ्रूट्स आर केप्ट आउट इन द सन फॉर अ टाइम पीरियड. तो प्रिजर्वेशन फ्रूट्स जो हम रखते हैं सन के एक टाइम पीरियड के लिए सन में. आंसर हो जाएगा आपका 145 का डी ड्राइंग. ठीक है. ड्राइंग कह देंगे हमसे. Which is the source of primary infection of anthracnose in grapes? Grapes में primary जो infection होता है anthracnose grapes में तो उसका source क्या है. Answer जगह option number A dormant mycelia. Which packing material is effective for shipping tropical and subtropical fruits? Answer जगह option number D fiberboard cartons. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट. नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सी है. इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है. बाकी तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है. इसका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रांसपरेशन. ट्रांसपरेशन के लिए क्या ट्रू है. आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर. वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है. बाकी तो गलत है. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्रीन लाइफ ऑफ द फ्रूट. ग्रीन लाइफ फ्रूट की क्या है. आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए टाइम फ्रॉम हार्वेस्ट टू ऑनसेट ऑफ रैपनिंग ऑफ फ्रूट. तो टाइम ठीक है हार्वेस्ट से लेकर रैपनिंग ऑफ फ्रूट तक का इसको हम लोग ग्रीन लाइफ बोल देते हैं फ्रूट की. तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज थी वीडियो सीरीज थी वो कंप्लीट होती है. आई होप सो आपको वीडियो सीरीज पसंद आई हो. और यदि आप फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं. इसका जो प्राइस है वो 1699 रुपीज़ है. आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा. डाउनलोडेबल प्रिंटेबल ई बुक्स रहेंगी. टेस्ट वाइज आपको नोट्स रहेंगे. क्वेश्चन बैंक अवेलेबल कराई जाएगी. टेस्ट सीरीज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दी जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी है वो अप टू एग्ज़ाम तक की इसमें आपको वैलिडिटी दी जाएगी. प्लस इसमें आपको डिस्कशन ग्रुप में भी आपको ऐड कराया जाएगा. यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं तो आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं. इसके अलावा यदि आप और भी अदर एग्रीकल्चर और एलीट सब्जेक्ट एलीट कोर्स के क्या उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो उसे भी आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जाके आप परचेस कर सकते हैं. वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स दिए गए हैं. आप जिस कोर्स को चाहें उसे परचेस कर सकते हैं. तो वीडियो सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पे. थैंक यू.